सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है परचेज एंड सेल्स, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर आपके बुक में 13 है, तो परचेज एंड सेल्स दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस छोड़ के मैं यहां लिख देता हूं टू परचेज। अमाउंट क्या है परचेज का? 99,200। और बाय साइड में दे रखा है हमें सेल्स, बाय साइड में लिखेंगे सेल्स अमाउंट 40,000। इसके बाद क्या गिवन है? वेजेस। वेजेस कहाँ आएगा ट्रेडिंग में? टू वेजेस अमाउंट 900। इसके बाद क्या गिवन है? देखो कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में। कैपिटल अमाउंट 48,500। इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस, उसके आगे नेशनल लगा दिया है, वर्ड है इंश्योरेंस ही, अगर हम उसके आगे कंपनी का नाम लगा दिया बस, उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस है, वैसे कोई फर्क नहीं है, और नॉर्मल इंश्योरेंस है। तो मेरा ट्रेडिंग मेरे हिसाब से इतने में बन जाएगा, तो इंश्योरेंस मैं यहां लिख देता हूं टू इंश्योरेंस अमाउंट 300। नेक्स्ट कैरिज इन्वर्ट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा कैरिज इन्वर्ट, तो यहां लिख दे टू। वेजेस के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, कैरिज इनवर्ड अमाउंट 400। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड पीएनएल में यहां लिख देता हूं टू कैरिज कैरिज आउट अमाउंट 500। इसके बाद लाइटिंग, अब लाइटिंग कहाँ होता है बताओ? पी एंडल में यही लिख देता हूँ लाइटिंग अमाउंट 600। नेक्स्ट रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो यानी एक नेशनल इंश्योरेंस अलग है, नेशनल इंश्योरेंस ही था ना, कंफर्म है? तो नेशनल इंश्योरेंस हमारा एक अलग था और रेट एंड इंश्योरेंस एक अलग है। चलो इस इंश्योरेंस को भी लिख देते हैं, इस इंश्योरेंस को जब अलग बोला है तो अलग ही लिख देते हैं टू रेट्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट 400। नेक्स्ट स्टॉक क्लोजिंग दे रखा है, जब क्लोजिंग स्टॉक देता है तो हमारा ट्रेडिंग में नहीं आता, डायरेक्ट कहाँ लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग अमाउंट 250। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश इन हैंड अमाउंट 1750। इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट अब समझना पड़ेगा कि रिसीव है या फिर अलाउड है, अगर रिसीव हुआ तो क्रेडिट में और अलाउड हुआ तो डेबिट दोनों में है, तो टू डिस्काउंट एंड बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट 600। इसके बाद क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या आ जाएगा एसेट्स में? बिल्डिंग अमाउंट 30,000। तो इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको इनसाइड में लिखूंगा। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर, चलो डेटर देखते हैं, डेटर पे भी एडजस्टमेंट हो सकता है इसलिए मैं इनसाइड में लिखता हूँ डेटर अमाउंट 6,000। इसके बाद क्रेडिटर लाइबिलिटी
अमाउंट 20,000. नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स अमाउंट 8,000. नेक्स्ट डिविडेंट. नाउ डिविडेंट डेबिट में है क्रेडिट में, ये चेक करना पड़ेगा. और नॉर्मली क्रेडिट में ही होगा क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी होता ही नहीं कभी, तो बाय साइड में डिविडेंट. डिविडेंट अमाउंट 300. नेक्स्ट बस कंप्लीट. अब एडजस्टमेंट को ध्यान से करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें. हाँ, कहता है रेट्स एंड इंश्योरेंस, यानी मेरे पास दो आइटम है तो ये किसकी बात कर रहा है मैं वो समझता हूँ. मेरे पास एक नेशनल इंश्योरेंस था, वो मैंने यहाँ लिखा है नेशनल इंश्योरेंस, यहाँ लिखा है. एक है रेट्स एंड इंश्योरेंस, वो अलग लिखा है. ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट नंबर वन है वो किस पे बता सकते हो? रेट्स एंड इंश्योरेंस पे. रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड 300 पर एनम. बोलता है कि ये जो 300 रुपए जो दिए गए हैं वो पूरे साल का, इसके अंदर 300 रुपए जुड़ा हुआ है पर एनम का अप टू 30 सितंबर 2017. जबकि हमें अकाउंटिंग ऊपर ट्रायल बैलेंस देखो 31/3/2017 तक करना है, यानी हमें करना है 31/3. और कहता है रेट्स और इंश्योरेंस एक साल का है, लेकिन जो एक साल का मैंने पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट इस पूरे साल का ना करके मैंने थोड़ा सा आगे टाइम का कर दिया, यानी 30 सितंबर, यानी हमारा ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च को. लेकिन अब देखो कहता कैसे, कहता है जो रेट्स और इंश्योरेंस 400 है इसमें 300 ऐसा जुड़ा हुआ है जिसका पेमेंट यहां तक है. 300 पूरे 400 नहीं, सिर्फ 300. तो इसके अंदर 300 12 महीने का है, एडवांस काउंट कर लेते हैं 6 महीने का एडवांस हो गया. तो मैं क्या करूंगा, इस 300 का पहले 6 महीने का प्रीपेड निकाल लूंगा, यानी हमारा 6 महीने का प्रीपेड 6/12, क्योंकि ये पर एनम बोला है. अगर बोलता इस डेट से लेके इस डेट तक तो 18 से डिवाइड करता, यहां पे एनुअल बोला हुआ है इसलिए मैंने डिवाइड किससे किया है 12 से. तो 6 महीने का आ जाएगा मेरा 150 रुपए. तो सबसे पहले तो मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर देता हूं प्रीपेड, इसमें से नहीं, ये नीचे वाला है ना, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने 150. डबल एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में, यहां लिख देता हूं प्रीपेड डेढ़ सौ. फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं. सेकंड एडजस्टमेंट नेशनल इंश्योरेंस बैलेंस इंक्लूड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 150. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जो हमारे पास वर्कर काम करते हैं तो उसके फ्यूचर के लिए हम कुछ पैसा उसकी सैलरी में से काट लेते हैं, प्रोविडेंट फंड, और कुछ पैसा अपनी जेब से मिला के हम प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा करवा देते हैं. और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो उस पर एम्प्लॉय को जब लेना चाहते हैं तो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं. तो मैं एम्प्लॉई के सैलरी में से काट रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसकी सैलरी से काट रहा है, लेकिन जो मैं अपनी जेब से दे रहा हूं वो भी तो खर्चा है. जो मैं अपने पॉकेट से मिला के दे रहा हूं, सपोज करो 100 रुपए मैं अपने जेब से दे रहा हूं तो 100 के 100 खर्चा है. अगर ऑफिस वाले एम्प्लॉई को दूंगा तो सैलरी का खर्चा माना जाएगा, लेकिन अगर मैं फैक्ट्री वाले एम्प्लॉई को दूंगा तो कहां का खर्चा माना जाएगा? अगर फैक्ट्री वाले एम्प्लॉई को दूंगा तो खर्चा माना जाएगा हमारा ट्रेडिंग का. समझने की कोशिश करना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जितना पार्ट मेरा हिस्सा होगा, कंपनी का, बिजनेसमैन का हिस्सा होगा, वो खर्चा तो है लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से एम्प्लॉय है. सैलरी है तो ऑफिस का, और अगर वेजेस है ट्रेडिंग का. लेकिन अगर आपको सैलरी और वेजेस कहां किस पे है ये नहीं बताए तो जो दे रखा है उसी पे होगा. तो मेरे वाले इस एग्जाम्पल में शायद प्रॉफिट एंड लॉस में देखो तो सैलरी है या नहीं है? नहीं है सैलरी,
क्या वेजेस है? तो ये जो प्रोविडेंट फंड का सारा डिस्कशन करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, ट्रेडिंग से या पीएनएल से? ट्रेडिंग से। पीएनएल से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पीएनएल में सैलरी है ही नहीं। तो नेशनल इंश्योरेंस बैलेंस इंक्लूड इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन 150, वेजेस आर शो नेट आफ्टर डिडक्शन अबव द एम्प्लॉय। कहता है कि जो नेशनल इंश्योरेंस था वो हमने जो इंश्योरेंस करवा रखा है, कौन सा है? नेशनल इंश्योरेंस, इसमें ना 150 रुपए वेजेस का जुड़ा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है। तो 150 रुपए यहां पे ना होके कहां होना चाहिए? वेजेस में होना चाहिए। तो मुझे यहां से तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा ही नहीं है, तो मैं माइनस कर दूंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है? कहता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, यहां एम्प्लॉयर क्लियर नहीं बोला हुआ, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं यहां से सबसे पहले तो माइनस कर देता हूं। कितना माइनस करूंगा मैं? 150 रुपए कंट्रीब्यूशन। इसके बाद मैं वेजेस में प्लस कर दूंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईआर फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी मैं शॉर्ट वर्ड में लिख दूं इसको, पीएफ का पैसा। पहले ये एडजस्टमेंट देखो, अभी पूरा कंप्लीट नहीं करा, हाफ एडजस्टमेंट ही है। यानी इंश्योरेंस में मैंने गलती से जोड़ दिया, तो इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है, तो हमने उसे हटाया और ऊपर लिख दिया। आगे कुछ वर्ड बोलता है, वेजेस आर शो नेट आफ्टर डिडक्टिंग अबव एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बोलता है कि जो हमने पहले जो वेजेस शो किया हुआ है ना, इसको नेट करके दिखाया हुआ है, यानी माइनस करके दिखाया। तो मैं वापस इसको ग्रोसअप करूंगा क्योंकि मेरे लिए खर्चा नेट नहीं होता, टोटल होता है मेरे लिए खर्चा हमेशा। थर्ड एडजस्टमेंट, ओइंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सम एम्प्लॉय आर हाउस इन द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस द रेंटेड वैल्यू 500 पर एनम। एक बार दोबारा समझते हैं इसको। कहता है कि अब मैं थोड़े कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप ध्यान से देखना। आपने जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे होंगे, तो वहां पे पता है इमरजेंसी वार्ड हमेशा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ऐसा क्यों होता है हमेशा इमरजेंसी वार्ड, उसकी अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी हॉस्पिटल के अंदर, यानी उसी कंपाउंड एरिया के अंदर जितने डॉक्टर हैं उनको रहने की फैसिलिटी दिया जाता है। जो हॉस्पिटल जिस एरिया में है उसी में, उसी के साइड में एक बिल्डिंग बना दिया जाता है जहां पे सारे डॉक्टर नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इमरजेंसी जब भी आएगा हम फटाफट उस डॉक्टर को कॉल करेंगे, वो डॉक्टर घर से निकल के हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। तो ये फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में है कि डॉक्टर के लिए स्पेशल रूम वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रहे। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी, अब कंस्ट्रक्शन का कारोबार कुछ ऐसा कारोबार कंपनी ऐसा होता है, आज दिल्ली में बना रहे हो मेट्रो, कल आप यूपी चले जाओगे, फिर कहीं और चले जाओगे फ्लाईओवर बनाने, यानी आपका एक जगह रहना फिक्स नहीं होता। मान लो 6 महीने दिल्ली में चला, 6 महीने पंजाब में चले गया, तो आप कहाँ ढूंढते फिरोगे? हर बार वहां पे अगर चेंज होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पे कहीं ना कहीं पहले एरिया में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे भाई हम रेंट पे कोई रूम बुक करें, होटल में रह नहीं सकते क्योंकि इतनी पेमेंट दी नहीं जाती आपको। तो इस तरीके के जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मालिक, वो क्या करते हैं नॉर्मली, वो कहते हैं भाई देखो आप रहने वहने की चिंता छोड़ो, इनफैक्ट खाने का भी इंतजाम कर देंगे हम, बस आप यहाँ पे जॉब करो। तो जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है, आपने देखा होगा कहीं मेट्रो का काम चल रहा हो तो वहां छोटे छोटे टीन के मकान बना दिए जाते हैं और उस मकान में उसको रहने की सुविधा दी जाती है, तो वो रहो। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ वो सारा खत्म करके और वो जहां पे फिर जाते हैं फिर से बना लेते हैं वहां पे। तो मैं अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल लूँ या कंस्ट्रक्शन का, तो कुछ ऐसा ही है। मान लो मेरा एक घर है, मेरा एक फैक्ट्री है, कोई है क्या? मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री बिल्कुल जमीन के एज टू नहीं बनाऊंगा मैं, कुछ एरिया मेरा कंपाउंड भी होगा, ये इतना एरिया फैक्ट्री का।
तो जो बाहर का एरिया है ये खाली एरिया है, इसके अंदर मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकता हूँ। अपने एम्प्लॉय के लिए पार्किंग बना दूंगा या फैक्ट्री के आगे थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना दूंगा। और कई बार क्या होता है, इस एरिया के अंदर फैक्ट्री से थोड़ा दूर हटके मैं एक मकान बना देता हूँ। थोड़ा फैक्ट्री का कंपाउंड एरिया के अंदर है, एक और घर बना दिया। फर्क ये है, यहां पे आप वर्क करते हो और यहां पे आप रहते हो, ये आपका हाउस है और ये इसी में है। अब एम्प्लॉयर ऐसा फैसिलिटी इसलिए देते हैं ताकि एम्प्लॉय हमें जल्दी मिल पाए, यानी वर्कर हमें इजीली मिल जाए, वर्कर कोई बहाना ना करे कि जी 2 दिन 2 घंटे लेट आ रहे हैं, 3 घंटे लेट आ रहे हैं, उससे बचने के लिए। अब मान लो राम राम इस कंपनी में जॉब करना चाहता है, मान लो बिजनेस में जॉब करना चाहता है, मान लो हमारा ये मिस्टर मोहन की कंपनी है, मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन्स में कौन काम करना चाहता है? मिस्टर राम। जब मिस्टर राम इस कंपनी में काम करने के लिए आएगा तो जो मोहन एंड सन्स इसको तनख्वाह देगा, जो वेजेस देगा, इसके लिए खर्चा होगा। क्योंकि फैक्ट्री में मैं बात कर रहा हूं तो ट्रेडिंग में जाएगा, इसके लिए क्या माना जाएगा, वेजेस या सैलरी? वेजेस माना जाएगा। राम आता है, बोलता है कि जी मुझे सैलरी कितना दिया जाएगा ये बता दो, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूं, इनको भी रिक्वायरमेंट है। इसने बोला आपकी सैलरी है 15,000 रुपये। सैलरी कितने इसने रखा है? उसके बाद इसने बोला कि आप अपने घर पे रहोगे या फिर हमारा जो फैक्ट्री के अंदर बनाया हुआ है हमने एम्प्लॉय को रहने के लिए, उसमें रहोगे? राम ने बोला कि अच्छा, मैं अगर कहीं और किराए पे लेता हूं तो मुझे 1,000 रुपये महीने का पड़ जाएगा, लेकिन आपके अगर यहां रहूंगा तो यहां पे भी क्या मुझे पैसे देना पड़ेगा? कंपनी बोलेगा बिल्कुल, हमारा भी खर्चा होता है इसके अंदर, आपका जो फैक्ट्री के अंदर मैंने बनाया हुआ है, इसको बनाने में हमारा खर्चा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे आपको, वाटर बिल देंगे, टाइम टू टाइम पे रिपेयर करवाएंगे, खर्चा तो होता ही है, किराया तो यहाँ का भी होगा, लेकिन जो खर्चा बाहर 1,000 रुपये का, ज्यादा नहीं लेंगे हम आपसे, बिल्कुल नाम मात्र का 200-300 रुपये खर्चा लेंगे, यानी नोशनल रेंट लेंगे आपसे, फुल रेंट नहीं लेंगे। कि आप सोच रहे हो कहीं कि मैं आपसे पूरे के पूरे 1,000 की जगह मैं 1,500 रुपये चार्ज करूंगा, ऐसा नहीं है, नोशनल रेंट नाम मात्र का, जितना एक्चुअल एक्सपेंस है वही लिया जाएगा। यानी एम्प्लॉयर मोहन एंड सन्स जो कंपनी है, इसने डिसाइड कर लिया है जी आपसे 400 रुपये चार्ज किया जाएगा। अब अगर मेरी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी करो, अगर आप 15,000 रुपये सैलरी मेरे से लोगे तो आपको कमरा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप हमारे फ्लैट को यूज करोगे तो 400 रुपये माइनस कर देंगे और आपको हम इन हैंड जो सैलरी देंगे वो देंगे 14,600 रुपये। कोई गलत है इसमें क्या? सही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या खर्चा बताओ कितना है सैलरी का? 15,000 ही खर्चा है, ये तो सैलरी तो 15,000 ही है, लेकिन इसका इनकम जो है, इनकम भी है कुछ ना कुछ, 400 रुपये इनकम है क्योंकि इसके पास रेंट आ रहा है। तो यहां पे नेट में हम इसे 14,000, मैं बोलूं कि भाई इसको मैं 14,600 रुपये पेमेंट कर रहा हूं, किसको? राम को 14,600 सैलरी के पैसे, सॉरी रेंट के पैसे काट के पेमेंट कर रहा हूं। मैं बोलता हूं मैं इसको 14,600 रुपये पेमेंट करता हूं मकान किराए को काट के, तो इसकी सैलरी कितनी थी राम की पता चल जाएगा हमें? कैसे पता चल जाएगा? उसमें प्लस या माइनस करके? प्लस करके, क्योंकि 14,600 अगर उसको प्रोवाइडेड किया जा रहा है और इसमें किराए भी काट लिया मैंने, किसका किराया? राम का, जो मकान का किराया था उसका, मकान का किराया भी काट लिया है, तो इसका मतलब इसका सैलरी ज्यादा रहा होगा, जब भी तो किराया काट के दे रहा वो। अब सिचुएशन आपको एग्जामिनर ने एडजस्टमेंट कुछ ऐसे दे दिया कि हमारे बिल्डिंग के प्रेमिसेस में ऑन एक फ्लैट है, किसका? ऑनर का है, उसको रेंट पे है, जो कि नोशनल रेंट दिया हुआ है उसमें मान लो 400 रुपये, और इसका जो वेजेस सैलरी है वो नेट दिखा रहा हूं मैं आपको। नेट का मतलब सैलरी के अंदर से रेंट माइनस करके है, बिना माइनस करके, यानी आपको ये डिजिट दिखा रहा हूं मैं। और इसका किराया कितना बता दिया मैंने, सपोज करो 400। नाउ एडजस्टमेंट की बात करते हैं, सैलरी की अगर बात होगी तो मैं पीएनएल के अंदर जाऊंगा, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मैं यहां पे वर्कर की सैलरी दिखाऊंगा।
राम की, कितनी सैलरी दिखाऊं, 14,600 या 15,000? 15,000 सैलरी है, 14,600 सैलरी नहीं है, उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 है। और इस साइड में मैं एक और एंट्री करूंगा इनकम के नाम से, क्योंकि वो रेंट मेरा एक तरीके से इनकम है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फिर से। ओइंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहता है ओइंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सम एम्प्लॉई आर हाउस इन द बिल्डिंग ऑफ बिजनेस। इसका मतलब समझ में आया, सम एम्प्लॉई को हाउस दे दी गया है बिल्डिंग ऑफ, किसमें? बिजनेस के बिल्डिंग के अंदर ही। द रेंटेड वैल्यू 500, और रेंट का वैल्यू कितना है? 500। और इससे ऊपर वाले एडजस्टमेंट में बोला हुआ था कि जो सैलरी और वेजेस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है नेट आफ्टर डिडक्टिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी ये पूरा नेट है सब कुछ माइनस करने के बाद। इसका मतलब मैंने ये वेजेस नेट में लिखा हुआ है, और कितने अमाउंट का है? 500 रुपए का। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए इनकम माना जाएगा 500 रुपए बाय नोशनल रेंट, या फिर सिर्फ इसमें अगर रेंट का नाम नोशनल रेंट लिखा है, नहीं लिखा, बस ऐसे लिखा है रेंटल वैल्यू, तो बस आप रेंट लिख दो यहां 500। क्या एडजस्टमेंट कंप्लीट? नहीं, वेजेस में से माइनस करके दिखा रखा है ना। क्या मेरा वेजेस खर्चा, खर्चा 900 नहीं है, इसकी सैलरी पता है कितना होगा? 1400 रुपए होगा, यानी मुझे यहां पे प्लस करना होगा रेंट 500 रुपए, अब जाके मेरा ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। दोबारा देखो एक बार इस एडजस्टमेंट को पढ़ के, कोई दिक्कत आता है तो आपको आप पूछ सकते हो। मैं पढ़ देता हूं, ऑन्स एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस हाउस इन द बिल्डिंग और बिजनेस है द रेंटेड वैल्यू 500। तो जो मैंने अभी समझाया 500 रुपए का जो रेंट था, एक तो हमने किस में जोड़ दिया, उसके वेजेस में, क्योंकि हमें पूरा वेजेस दिखाना है बिजनेस में, तो इसलिए जुड़ गया। दूसरा, बिजनेस के लिए इनकम भी है, क्योंकि वो किससे रिसीव कर रहा है? अपने एम्प्लॉई से, तो वो पीएनएल के मैंने क्रेडिट साइड में डाल दिया। ये है नोशनल रेंट, आप रेंट भी लिख दोगे तो चलेगा, नोशनल रेंट लिख दोगे तब भी चलेगा। क्लियर है ये एडजस्टमेंट? फोर्थ एडजस्टमेंट, सेल्स एज शो इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड सेल्स ओल्ड फर्नीचर। किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पहले पूछा था, वो एडजस्टमेंट आ गया। अब सेल्स एज शो इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सेल्स है, यानी मेरा सेल्स 7,40,000, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सेल्स एज शो इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बेचा है तो भाई सेल्स में थोड़ी आएगा, वो तो फर्नीचर कम करो ना आप, लेकिन गलती से इंक्लूड कहां कर दिया? सेल्स में। तो मुझे सेल्स में तो पहले माइनस करूंगा, और माइनस दूसरा कहां करूंगा? फर्नीचर में से। और बेचा किस दिन है? 30 सितंबर 2016 में बेचा है, यानी साल के बीच में, 30 सितंबर 2016 में। तो अगर मैं आपसे बात करूं, चलो पूरा साल बना लेते हैं हम, यहां साल क्या है? 1/4/2000, ईयर एंड कब है हमारा? 16, और एंड होगा 31/3/2017। ये पूरा साल है मेरे बिजनेस का। कहता है सेल्स के अंदर एक फर्नीचर मैंने बेचा था जिसका कीमत था, 2016 में बेचा था, रियलाइजिंग 200, द बुक वैल्यू 300। कहता है कि मैंने यहां पे बेचा, 30 कब बेचा है? 30 सितंबर, यानी मिड में, जो था कितने का? बट सोल्ड 200। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्स इंक्लूड, तो मैंने 300 सेल्स में जोड़ा होगा या सेलिंग प्राइस जोड़ा होगा? यानी सेल्स में सबसे पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा फर्नीचर सोल्ड, और 200 फर्नीचर सोल्ड कितना? अब लेकिन मेरा फर्नीचर 200 का कम नहीं होगा, ये 300 का कम होगा, तो मैं यहां से माइनस करूंगा लेस फर्नीचर सोल्ड। पहले तो ये देखो, अभी डेप्रिसिएशन की मैं बात ही नहीं कर रहा,
सिंपल कहता है सेल्स इंक्लूड, जो सेल्स कर रहा है फर्नीचर वो, तो सबसे पहले मैंने सेल्स में से माइनस किया, रीजन क्योंकि सेल्स का पार्ट नहीं है ये, फर्नीचर से माइनस होना चाहिए और जहां से माइनस होना चाहिए वहां से मैंने माइनस कर दिया है इसको, सोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द कमेंसमेंट एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शेल बी ऑल अलॉन्ग विंग 20%, और इस सब पे रेट कितना है 20%। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास जो फर्नीचर बचा है वो कितने का बचा है 70। उसने बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 20% है, तो चलो 20% लगा देते हैं हम। डेप्रिसिएशन 20%, तो 20% किसका लगाएंगे, 77 का, जो कि कितना आ जाएगा 14,000, 15,000, 1540, यही आएगा ना। अब बात करते हैं इसकी, 300 रुपए का फर्नीचर का कॉस्ट मैंने 6 महीने तक इस्तेमाल किया, 6 महीने तक इस्तेमाल किया, तो 6 महीने का इस्तेमाल करने का मतलब 300 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 20/6 महीने का। बताओ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 30 रुपए। इसका मतलब 300 के सामान पे 30 रुपए का तो मैं यूज कर ही चुका था, इसका मतलब उसका जो वैल्यू था वो 270 था, 200, और उसको मैंने बेचा 200 रुपए में। इसका मतलब यहां पे मेरा नुकसान हो गया, नुकसान 100 रुपए का नहीं है 70 का, तो इस नुकसान को भी दिखाना पड़ेगा। इस नुकसान को कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, किस नाम से, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो मैं इसको यहां दिखा देता हूं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का, 70 रुपीज। पहले ये देखो, मैं लॉस की बात करूं, अभी डेप्रिसिएशन मैंने बात ही नहीं किया। अब मुझे बता सकते हो, मैं यहां पे लिखता हूं टू डेप ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर, बताओ फर्नीचर पे कितना डेप है, 1540 प्लस, ये भी तो डेप करंट ईयर का ही है, यानी अब आपको जो डेप लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 1570 रुपए। यानी अगर हम बीच में किसी एसेट्स को बेच देते हैं तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो। तो देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, कोई डाउट फोर्थ में, फिफ्थ अभी सबसे लास्ट में किया जाता है मैनेजर कमीशन, सिक्स एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग पे 5% है, लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 5%, यानी 1500, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हम यहां पे लिख देता हूं मैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1500 रुपए। लास्ट का एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा वो देख लेना अभी, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजर कमीशन हमेशा लास्ट में दिया जाता है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मैनेजर को कमीशन हम किस लिए देते हैं, क्यों दिया जाता है मैनेजर को कमीशन, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया इसलिए कमीशन में बांट रहा है, या कोई ना कोई तो पर्पस होगा ही ना। मैनेजर का कमीशन इसलिए दिया जाता है मैनेजर को जब मालिक वहां पे ना हो, तो मैनेजर को एक लालच दिया जाता है कमीशन, ताकि वो मालिक समझ के काम करे। उसको बोला जाता है जितना ज्यादा आप बिजनेस का प्रॉफिट कमा के दोगे उसमें आपका हिस्सा होगा, तो मैनेजर आराम करने की जगह पे काम करना स्टार्ट कर देगा। उसे पता है ज्यादा मुनाफा तो मुझे सैलरी तो मिलता ही है, साथ के साथ मुझे क्या मिलेगा, कमीशन। मैंने बोला 10 लाख रुपए आपकी महीने की सैलरी, मान लो 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, अगर आप प्रॉफिट जितना भी कमाओगे उस पर भी 10% दूंगा। अगर मैनेजर 1 करोड़ कमा के देता है तो
तो सैलरी तो 1 लाख महीने की मिल ही रहा है, 1 करोड़ मुनाफे पे 10% और, यानी 10 लाख रुपए और मिलेगा। तो अब बताओ मैनेजर की नीयत क्या होगी, दिन रात काम करने की? क्योंकि सोचेगा यार इस बार 1 करोड़ किया, अगली बार 1.5 करोड़ करूंगा तो 15 लाख मिलेगा मुझे कमीशन। और इसमें मालिक का बड़ा बेनिफिट है, 100% कमा के 10% दे दिया तो क्या जाता है, 90 तो आ ही रहे ना, तो दोनों का काम बन जाता है। लेकिन मैनेजर बोले सर मैंने इस बार दिन रात मेहनत किया, मुझे मेरा लॉस हो गया इस बार कंपनी में 10 लाख रुपए का, मुझे कमीशन कितना मिलेगा? तो क्या मालिक कमीशन देगा? नहीं देगा। तो सबसे पहले काटेगा भी नहीं, सबसे पहले मैनेजर का जो कमीशन है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है, लॉस पे कभी भी नहीं होता। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि क्वेश्चन लॉस का हो और मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट दे दे, आपको इग्नोर करना है उसको, वो किसी काम का नहीं है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और फटाफट से एडजस्टमेंट कर दिया, गलत हो जाएगा फिर वो। मैनेजर कमीशन 2 तरीके का होता है हमारा, आफ्टर और बिफोर। इसके ऊपर मैं एक पूरा एडजस्टमेंट बना के करवाऊंगा, आफ्टर बिफोर। यहां पे जो मैनेजर कमीशन है वो फिलहाल के लिए आफ्टर है। तो आफ्टर में क्या करना होता है, हमेशा सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको जानना पड़ेगा। उस नेट प्रॉफिट पे जितना हमारा, जैसे 10 1/10 है तो हम कर देंगे, 1/10 है यानी 10% है, 1/10 कितना होता है 10%, तो 10% को करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 110। तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं इसका क्या होगा, बाकी इसके ऊपर मैं पूरा एक एडजस्टमेंट कराऊंगा। दो मैनेजर होते हैं हमारे बिजनेस में, जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर। जनरल मैनेजर को अलग दिया जाता है, वर्क मैनेजर को अलग दिया जाता है, उस तरीके से होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए सारा एडजस्टमेंट तो मेरे हिसाब से डन कर दिया, लास्ट वाला ही पेंडिंग था। 9 और 5 14, 1500 कौन सा कर दिया डेप्रिसिएशन, 1500 रुपये कौन सा दे रखा है, कर तो दिया ये रहा, ठीक है। अब इसका परचेज में कुछ था नहीं, मैंने फिर भी लिख दिया था, तो कई बार आपके साथ भी हो सकता है, ये माइनस कर देते हैं, तो 7,39,000 फटाफट माइनस करके जीपी बता दो आप, 7,39,000 टू ग्रॉस, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट। अड़तीस 650, और ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,650, ये आ गया 40,50। अब हमें क्या करना है, यहां सारे खर्चे माइनस करके यहां नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, नेट प्रॉफिट पहले मैनेजर कमीशन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे। पहले मैं सारे खर्चे माइनस कर देता हूं इसमें से, ये भी माइनस हो के बच गया 150, और ये माइनस बच के बच गया 250, तो -150 -1500 -500 600 250 170 और 1570, यानी ये सब माइनस जब मैंने किया तो मुझे रिजल्ट पता है कितना मिला, 35,310। यहां मत लिखो अभी, पहले हम इस पे मैनेजर कमीशन देंगे। मैनेजर कमीशन आफ्टर था तो मैं 10/110 कर लेता हूं, इनटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया 3210। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू मैनेजर कमीशन 3200, ये एडजस्टमेंट है ना, अभी दिया नहीं है मैनेजर को, इसका मतलब लाइबिलिटी में आएगा। मैनेजर 3210, फिर दोबारा देखो, मैंने नॉर्मल जैसे प्रॉफिट निकालते थे वही निकालने की मैंने कोशिश की, और वही मैं निकाल रहा था, लेकिन मैनेजर कमीशन था इसलिए मैनेजर कमीशन मैंने इधर लिखा पहले, और उस पे सबसे पहले आफ्टर चार्ज था तो 10/110 किया, बिफोर होता तो मैं 10/100 करता, बाकी इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्लास एक ही रह गया है, उसको हम लेंगे।
3210 लिखने के बाद अब फिर से नेट प्रॉफिट निकालो, टू नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दोबारा माइनस करने से अच्छा है मैं 35310 में से सीधा 3210 माइनस कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ गया 32100, 32100, और ये कहां चले जाएगा हमारा, टू नेट प्रॉफिट 32100, 48500 करते हैं तो 80600 प्लस 20000 32, और यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस करना रह गया, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, देखो जिस पे एडजस्टमेंट होना चाहिए उन पे किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, बीकॉम ऑनर्स में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ कोई डाउट इसमें, एडजस्टमेंट में अगर डाउट है तो एडजस्टमेंट पूछ सकते हो, अभी फिलहाल सारा एडजस्टमेंट कर दिया, एक एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन की अभी एक क्लास पेंडिंग और है अभी आपकी।